वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कंप्लीट साइट मैप क्रिएट करने वाले हैं। साइट मैप का यूज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइट मैप का यूज ये होता है कि जब आप गूगल में लिंक करते हैं या अदर सर्च इंजन में लिंक करते हैं, तो आपको अपने वेबसाइट के साइट मैप की लिंक देनी होती है। तो वो लिंक हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। वो लिंक कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो सबसे पहले ब्लॉग है जो आपका, जो आप क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, अभी तक उसमें आप ब्लॉग न्यू फोल्डर, तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं, तो न्यू फोल्डर एंड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है फोल्डर लिंक, क्रिएट कर लिया। अब हम इसके अंदर ही हम साइट मैप क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लिंक के अंदर एक न्यू फाइल लेते हैं, न्यू फाइल, देन इसको सेव करना है हमें किस नेम से, साइट मैप, पीएचपी को हम एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे एचटीएक्सएस के। तो पहले हमें पीएचपी का कोड कर लेते हैं, तो सबसे पहले इंक्लूड कीजिए रिक्वायर्ड। अब आप एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर आपका कनेक्शन, यदि आपको कोई भी एरर आती है तो वहां पे एरर शो हो जाएगी। ओपन होगा ये इस तरीके से फील डॉट पीएचपी Here. तो ठीक है, ये प्रॉपर काम करे, कोई एरर। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे XML में डॉलर आर्टिकल के नेम से, डॉलर डीबी। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं कि क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्वेरी। तो हमें इसमें ज्यादातर जो नीड होगी सिर्फ सेलेक्ट की होगी, आर्टिकल सेलेक्ट की नीड होगी। सेलेक्ट और पीएचपी यूआरएल को मिलाकर हम कंप्लीट यूआरएल यहाँ पे लिंक कराएंगे। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, वेरी। अब यहाँ पे सेलेक्ट आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल सेलेक्ट चाहिए हमें जो डेटाबेस में हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आपको डेटाबेस भी ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे। अब हमारी ये फील्ड्स है, तो हमें यहाँ पे क्या लेके चलना है, यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट लेना है, ठीक है। तो आर्टिकल सेलेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम यहाँ पे टेबल का नेम, टेक्नो ब्लॉग के नेम से हमारी टेबल है। के बाद ऑर्डर बाय कैसे लेके आना है आपको, ऑर्डर बाय आईडी, सेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, हम अलग अलग वेरिएबल्स बना लेते हैं। हमने क्या किया, वहाँ पे आर्टिकल के लिए बना लिया, अब हम कैटेगरी के लिए बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे टैग्स के लिए। तो सबसे पहले हम टैग्स के लिए बना लेते हैं, तो सेम ही है, इसको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, चेंज करना है सिंपल टैग, ओके, एंड आर्टिकल, बस थोड़ा ये चेंजेस था। अब हमारे पास कैटेगरीज भी है, कैटेगरीज लिंक भी करानी पड़ेगी हमें कि गूगल में वो लिंक हो या अदर सर्च इंजन में लिंक हो। तो सेम को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे हमें ले लेता हूँ वेरिएबल बना लेते हैं कैटेगरी के नेम से सेलेक्ट। अब कैटेगरी सेलेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, कैटेगरी सेलेक्ट कहाँ पे है, जो हमने टेबल्स बनाई थी, ठीक है, टेबल्स में एक टेबल थी टेक्नो कैटेगरी। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं टेक्नो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट है, तो ये सेलेक्ट हमें लेना है क्योंकि हमें उसका यूआरएल लेके चलना है। तो साइट मैप में क्या होता है, सभी के यूआरएल क्रिएट करने होते हैं, तो कैटेगरी का। अब यहाँ पे टेबल का नेम भी चेंज हो जाता है, टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, टेक्नो कैटेगरी, क्योंकि हम दूसरी टेबल, ये हो गया हमारा ऑर्डर बाय आर्टिकल आईडी, ऑर्डर बाय कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है हमारा बेस यूआरएल बनाने की। बेस यूआरएल से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, मैं आपको वो भी बता दूं। जैसे ये है हमारा, तो हमने यहाँ पे लिया यहां तक, ये हमारा बेस यूआरएल लोकल होस्ट 8081, ये मेरा पोर्ट हो गया स्लैश ब्लॉग, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा सलग हो गया। इस तरीके से कैटेगरी के लिए बेस बनाएंगे, इस तरीके से टैग के लिए। कैटेगरी के लिए क्या हो गया, ये मतलब ये कैटेगरी के लिए बेस यूआरएल हो गया और ये सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले डॉलर यूआरएल ले लेते हैं, बेस यूआरएल स्मॉल, और बेस यूआरएल जो आपका है, बेस यूआरएल जो आपका होम, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट ओपन होगी आर्टिकल का बेस यूआरएल हमने क्या रखा है यहाँ पे, टेक्नो
लोकल होस्ट 8081 ब्लॉग, और जो आपका पोस्ट ना हो मतलब पोर्ट ये ना हो तो ये होगा नॉर्मल सा, जो भी आपका पोर्ट हो, अगर पोर्ट हो तो ले लीजिए उसमें। बट अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको वेबसाइट का URL देना पड़ेगा, जैसे example.com/, तो ये हमारा फर्स्ट बन चुका है BURL बेस। उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा कैटेगरी के लिए और टैग के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ TURL T4 टैग URL के बाद सेम, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ब्लॉग के बाद यहाँ पे आता है टैग, टैग के बाद, क्योंकि टैग के बाद ही आएंगे हमारे, जैसे ये टैग है कैटेगरी है ठीक है, कैटेगरी के बाद हमारी HTML आ रही है ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे टैग में भी आएगा इस तरीके से ही सेम। तो चलिए टैग के लिए बनाते, तो टैग के लिए हमने बेस URL बना लिया है, अब हम कैट के लिए बनाते हैं, सेम ही कैट के लिए बनेगा, मतलब कैटेगरी के लिए CURL, और CURL में टैग की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी ले लें। तो जिस जिस के लिए भी आपको URL बनाना है, तो हमें कैटेगरी भी लिंक करानी है, तो इस तरीके से लिंक करा दीजिए, एंड यहाँ पे आपको सेमी कोलन्स भी देने हैं, सेमी कोलन फ्री, यहाँ पे कैटेगरी दे दीजिए, कैटेगरी देख। उसके बाद चलिए साइट मैप जनरेट करते हैं, तो साइट मैप के लिए जो होगा हेडर, एप्लीकेशन XML, यहाँ पे XML में जनरेट करेंगे हम इसको, सेट इसका हेडर सेट कर लिए, कंटेंट टाइप हमें एप्लीकेशन है XML, ये कंटेंट टाइप हमने हेडर सेट कर दिया। उसके बाद चलिए एको, एको क्या करना है हमें, XML वर्जन, वर्जन हमारा 1 हो गया, एनकोडिंग ये इसका फॉर्मेट हो जाता है UTF 8 8। इसके बाद क्वेश्चन मार्क डॉट PHP कोटेशन मार्क देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम इसको तो एको करा रहे हैं, फॉर्मेट कोड ये ले रहे हैं, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे ये कोड मिल जाएगा आपको ठीक है, लिंक करने के लिए तो काफी लेंथ लेता है, इसलिए मैंने फटाफट ये कर दिया ठीक है। ये जस्ट आपका लिंक है एको URL। यदि आपको XML के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो उसमें क्या होता है कि URL होता है, लोकेशन होता है, यदि साइट मैप में आपने देखा होगा तो इस तरीके से वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं ठीक है, मतलब एंगल ब्रेस देना है फिर URL और फिर एंगल ब्रेस को क्लोज, तो अपने आप ही टैग्स क्रिएट करते हैं इसमें। HTML में क्या था, उसमें पहले से टैग्स अवेलेबल है, बट इसमें खुद ही टैग्स क्रिएट करते हैं, कुछ भी टैग्स आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो चलिए वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू URL हो गया हमारा, उसके बाद एको, हम यहाँ पे ले रहे हैं लोकेशन, तो यहाँ पे हमें लोकेशन देनी ही पड़ेगी। अब लोकेशन में हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, बेस URL, मतलब कि आपकी वेबसाइट का मेन URL, आपके जो आपका जो ब्लॉग होगा या वेबसाइट होगा उसका भी तो URL आपको सबमिट करना पड़ेगा ना, तो बेस URL क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट में आपने बेस URL बनाया था अभी ऊपर, वो आपको लेना है। तो बेस URL में ले लेता हूँ BURL, जो वेरिएबल मैंने बनाया था यहाँ पे लेता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्रो के डॉट, एंड इसको क्लोज कर दीजिए, लोकेशन को आपने क्लोज कर दिया, टैग को जो आपने बनाया, एको चेंज फ्रीक्वेंसी डेली, उसके बाद एको कर दीजिए ठीक है। अब हम HTML में क्या था, हम वहां पे टैग्स जो होते हैं हमारे, जो टैग्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, तो उनको क्लोज भी करना होता है, इसमें भी हम क्लोज ही करेंगे। तो हमारा टैग जो ओपन था, सबसे पहले URL था डॉट, क्लोज कीजिए URL सेट को, जैसे हम HTML में क्लोज करते हैं टैग्स को, इसमें भी हमें क्लोज करना पड़ता है।
तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्लॉग लिंक साइट में एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे लोकेशन आ चुकी है आपकी वेबसाइट की जो आपने ली थी यहाँ पे, ठीक है। अभी तक ये डॉट पीएचपी में है। अभी आपने क्या किया, सिर्फ अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया आपने, ठीक है, वो लिंक हो जाएगा। बट अब आप क्या चाहते हो, जो आर्टिकल्स हैं उसके यूआरएल भी ऑटोमेटिकली आते रहे, उसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वाइल क्योंकि ऑटोमेटिकली सभी आते रहे यहाँ पे, रो इक्वल टू डॉलर अब हमने वहां पे ऊपर लिया था आर्टिकल्स, तो यहाँ पे ये वेरिएबल यहाँ पे ले लेना है आर्टिकल के नेम से, जो हमने वेरिएबल बनाया था ये वेरिएबल यहाँ पे लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे आर्टिकल्स लेके आएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स फैच राइट नाउ फैच, और फिर उसका सेम ही फॉर्मेट रहेगा, इसमें थोड़ी चेंजेस रहेंगी, बस कॉपी कर लेना ऊपर वाले को एंड इस कोड को जस्ट पेस्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, बेस यूआरएल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको एक चीज और लेके आनी है यहाँ पे, आपको जो लेके आना है डॉलर रो सलग के बाद इसके बाद यहाँ पे डॉट एंड ये करना था आपको जस्ट रीलोड। ऐसे ही आप रीलोड करोगे, देखिए ऑटोमेटिकली सभी आर्टिकल्स के जो सलग है यहाँ पे आ चुके हैं ऑटोमेटिक, जितने भी डेटाबेस में थे यहाँ, देखिए टेक्नो ब्लॉग में जितने भी सलग थे यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये कंप्लीट लिंक आ चुकी है। तो इससे हम यह क्या कर सकते हैं, कॉपी एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर से लिंक से ओपन होता है क्या, देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे यूआरएल आ चुके हैं ऑटोमेटिकली। इस तरीके से ही आपको कैटेगरी के लेके आ जाने हैं और इस तरीके से ही आपको टैग्स के लेके आ जाने। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये पीएचपी है डॉट पीएचपी, इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करता हूँ। तो एक्सएमएल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक एचटीएक्सएस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, लिंक फोल्डर में राइट क्लिक एंड न्यू फाइल देन सेव डॉट htaccess and rewrite in on rewrite .xml question mark dollar ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। इसके भी आपने थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए इसमें, प्रॉपर चेक कर लीजिए रीराइट इंजन ऑन, ये यहाँ पे स्पेस है साइट में एग्जामल क्वेश्चन मार्क डॉलर डॉलर के बाद एक स्पेस है, तो इसको हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइट मैप डॉट पी एच पी को हम साइट मैप डॉट एग्जामल में ओपन कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो डॉट पी एच पी ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं क्या करता हूँ डॉट एग्जामल देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामल में भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया पीएचपी को एग्जामल में, तो ये आपकी लिंक हो जाएगी जब आप गूगल में सबमिट करेंगे, तो ये आपकी लिंक हो जाएगी जब आप लाइव काम करेंगे, तो ये लिंक हो जाएगी आपकी प्रॉपर, ठीक है। ये हो गया। अब साइट मैप में क्या है, कैटेगरी को भी आपको लिंक कराना होगा, तो कैटेगरी को लिंक कराते हैं और टैग्स को भी लिंक कराते हैं। अब कैटेगरी को भी सेम ही लिंक कराना पड़ेगा, तो उस कैटेगरी को लिंक करा लेते हैं पहले। तो सबसे पहले वाइल सेम ही कॉपी कर लेता हूं मैं, तो यहां से आपको कॉपी कर लेना है, जस्ट कॉपी इट एंड नाउ पेस्ट इट। अब जो आपको यहां पे चेंज करना है, यहां पे आर्टिकल है ना कैटेगरी के लिए जो वेरिएबल बनाते हैं, यहां से कॉपी कर लीजिए एंड यहां पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पे कैटेगरी के लिए लेने वाले हैं पेस्ट, और आर्टिकल सेलेक्ट की जगह वहां पे कैटेगरी सेलेक्ट दे दीजिए। कैटेगरी से अलग हो गया इस तरीके से। अब बेस यूआरएल, अब हमें कैटेगरी यूआरएल भी लेके आना है, जो हमने यहाँ पे सी यूआरएल बनाया था ना कैटेगरी यूआरएल के नेम से, तो यहाँ पे कैटेगरी यूआरएल हमें पेस्ट कर देना है, पेस्ट इट, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी के लिए भी जनरेट हो जाएंगे, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे नीचे जाके आप देख सकते हैं कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं, कैटेगरी
पीएचपी टेक्निकल, अब हम इस पीएचपी से रिलेटेड कैटेगरी के ओपन करके देख लीजिए प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। चलिए ओपन करके देखते हैं पीएचपी से रिलेटेड जो आर्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर कैटेगरी के लिए भी हो गया। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे हम कैटेगरीज तक कर चुके हैं और पेज के लिए कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको टैग्स के लिए भी मिल जाएगा कि टैग्स के लिए आपको क्या करना है कंप्लीट। तो टैग्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पेजिंग नेशन एंड सर्च बॉक्स हम क्रिएट करने वाले हैं कि किस तरीके से यूजर सर्च करता है ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट के जो डायनेमिक कंटेंट है वो किस तरीके से सर्च करता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।